प्रशांत कुमार एग्रीन फॉर्म बोलता था। तो आज में जो वीडियो आप लोगों के सामने लेकर हम सीखने के लिए, फिर आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ये जैसे कि प्रिंसेस कट का एक मेजरमेंट है और ये व्हाट्सएप में एक रिक्वेस्ट आया है और बहुत दिनों से आ पड़ा है और भी बहुत रिक्वेस्ट हमारा मोबाइल में पड़ा है। फिर बहुत दिनों से मैंने कुछ वीडियो और कोई वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया है, तो इसका वजह है फ्रेंड मैंने जैसे कि कोई सेल प्रोग्राम कर रहा था अमेजन में फ्लिपकार्ट में, वो सेटअप हो गया है और उसके बाद पूरा कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को मैं लिंक दे दूंगा ताकि जाके जैसे कि आप लोगों को कोई भी प्रोडक्ट हमसे खरीदने में बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा है, ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा है चलो हम अमेजन के जरिए हम आप लोगों के पास हम माल भेजेंगे। जैसे कि अमेजन में मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, उसका लिंक और जो जो प्रोडक्ट हम सेल करेंगे अब अमेजन और फ्लिपकार्ट के थ्रू और जैसे कि ईबे ये सब में होगा। अभी तक मैंने वो सेटअप नहीं किया है, फिलहाल तो फ्लिपकार्ट और ईबे अमेजन पे है, तो उसका जो जो प्रोडक्ट हम सेल करेंगे हम आपका लिंक दे देंगे, आप ट्रस्टेड होकर आप खरीद सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में रिक्वेस्ट का वीडियो है और आप लोगों के पास भी अगर कोई रिक्वेस्ट हो तो हम आप लोग इसी तरह हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं और इसी तरह हम रिक्वेस्ट फुलफिल करते जाओ। और जैसे कि बहुत दिन से बहुत रिक्वेस्ट आ रहा है फ्रेंड, मैंने कुछ काम में बिजी था तो अभी से सभी जो रिक्वेस्ट हमारा मोबाइल में था तो सभी हम कर देंगे, धीरे धीरे सभी कर देंगे और अभी से हम अवेलेबल रहेंगे हमारे चैनल में। तो चलिए मैं दिखा दूँ अपने, अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो यूट्यूब में जाकर और चैनल को अब ढूंढ नहीं पा रहा है तो चैनल यूट्यूब में जाकर आप प्रशांत कुमार लिखिए और पी लिखने से ही हमारा नाम आ जाएगा, उसके बाद क्लिक कर दीजिए और उसके बाद देखिए सबसे पहले जो फेस रहेगा साइड में जो नेम है उसे क्लिक कर दीजिए और ये हमारा चैनल में लेकर आएगा। उसके बाद आप यहाँ से कोई भी एक वीडियो उठा लीजिए और उसके बाद देखिए साइड में जो रेड वाला बटन है सब्सक्राइब लिखा हुआ है इसमें क्लिक कर दीजिए और साइड में बेल में क्लिक कर दीजिए। और बेल में क्लिक करने से क्या होगा फ्रेंड, हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो इंस्टेंट ही आपके पास चले जाएगा और आप लोग सबसे पहले देख पाएंगे वीडियो। तो फ्रेंड ये देखिए ये हमारा व्हाट्सएप का रिक्वेस्ट है और ये मैसेज जैसे कि हाई वास्ट और नॉर्मल वास्ट किस तरीके से है और उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया है जैसे कि किस तरीके से इसका लूजिंग देना है। और ये देखिए ये मैसेज ये था, ठीक है देखिए, तो किस तरीके से हम नॉर्मल वास्ट हाई वास्ट में थोड़ा सा लूजिंग देंगे, तो सारे डिटेल्स इस वीडियो में होंगे और मैं ये जो मेज़रमेंट था तो मैं अलग से लिख कर उसके बाद में पैटर्न कटिंग करूँगा प्रिंसेस कट का। तो देखिए कितना इजी है और आप लोगों को भी यानी कि सभी के लिए मैं ये बना रहा हूँ, किसी को अगर इसी तरह है मानिए जैसे कि नॉर्मल वास्ट हाई वास्ट का इतना गैपिंग होता है तो किस तरीके से हम करते हैं क्या क्या देखते हैं तो सारे डिटेल्स इसमें मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले हमारा हम कोई भी अगर ब्लाउज कटिंग करें तो उसके लिए हमें फुल लेंथ चाहिए और उन्होंने 45 बस 45 एंड हाई बस 40 हाई बस 41 है, नॉर्मल बस 45 है और वेस्ट 41 है, तो उन्होंने फुल लेंथ नहीं दिया है इसमें। तो चलिए हम एक पकड़ लेते हैं फुल लेंथ, हम 14 इंच हम ले लेते हैं जो स्टैंडर्ड साइज होता है। तो देखिए किस तरीके से हम ले रहे हैं 14 इंच, देखिए फ्रेंड ये देखिए। और हमारा सभी सब्सक्राइबर के लिए बता रहा हूँ, जो लोग रिक्वेस्ट हमें भेजते हैं इसी तरह सभी के लिए मैं बता रहा हूँ, आप ये वीडियो एक बार ज़रूर देखिए तो आपके कोई भी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए क्योंकि ये एक रिक्वेस्ट का वीडियो है और मेजरमेंट से मैं बना दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए 14 इंच और नीचे मैंने हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है और ऊपर देखिए टेप को कैसे पकड़ा है और मैंने यहाँ से पॉइंट किया, देखिए ऊपर में भी मैंने सीम्स ले लिया है और उसके बाद जैसे कि मैंने जो मेज़रमेंट लिया है तो इसमें आया है फ्रेंड जैसे कि 15 से थोड़ा सा कम होता है, हमेशा जैसे मैं बोलता हूँ आप लोगों को वैसे ही होता है। और उसके बाद देखिए किस तरीके से कर रहा हूँ, ये मैं डीप नेक कर रहा हूँ और अगर आप लोग हाई नेक करना चाहते हैं यानी कि कोई कलर वाला और एयर गोला करना चाहते हैं, बोट नेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को हाई नेक वाला पैटर्न यूज़ करना है यानी कि जो कलर वाला होता है पैटर्न वो यूज़ करना है और मैं डीप नेक से कर रहा हूँ।
और इसमें जैसे कि हमें पता चला इसका हाईवेस्ट 41 है, तो चलिए हम फॉर्मूला में चले जाते हैं। और फॉर्मूला बोले तो जैसे कि हमारे चैनल में एक फॉर्मूला है और बहुत अलग अलग फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों को दिया है, मगर सबसे बेस्ट है जैसे कि फ्रंट से भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। जैसे कि फ्रंट स्टेट का एक फार्मूला मैंने आप लोगों को दिया था जो फ्रंट से मेजरमेंट लेते हैं, तो चलिए मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे दूँ आप लोगों को। तो फ्रंट से हम जैसे कि बोलते हैं हमेशा जो हमारा जो आर्म होल होता है फ्रेंड, आर्म होल जिस जगह में होता है उसी जगह से लेकर दूसरी जगह तक हम लोग इसी तरह मेजरमेंट लेते हैं, वो हम बोलते हैं फ्रंट स्टेट का। और ये जो तरीका है इसे आप बैक में भी यूज़ कर सकते हो, डीप नेक पे भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, मगर उसके आप लोग अगर जैसे कि ये स्टिचिंग और पैटर्न कटिंग करने में आप लोग अगर थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाए तब ये टेक्निक यूज़ करना है। अदरवाइज़ जो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कुछ ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो हाई वाज देख कर हम बोल देते हैं, और नहीं तो हाफ ऑफ शोल्डर -2 + ½ इंच कर सकते हैं, और उसके बाद जैसे कि हाफ ऑफ शोल्डर माइनस कभी कभी 3 कर लेते हैं। तो वो जानिए किस जगह में, मैंने बहुत बार डिस्कस किया है किस तरीक़े से कौन सी जगह में वो हम लोग यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। और देखिए हमारा जो 36 होता है, 32 में क्या होता है, 5 and 5/2 होता है। तो बहुत लोगों को क्वेश्चन होगा जो 5 कब लेंगे और 5 and 1/2 कब लेंगे, 32 साइज़ के बारे में बोल रहा हूँ। तो उसी तरह मैंने 34 में भी मैंने बोल दिया है जैसे कि आप 5 and 1/2 and 6 ले सकते हो आप लोग, और 36 में भी आप लोग 6 and 6 and 1/2 ले सकते हो। तो मैं ये जो हमारा 36 साइज से हम इसे बनाएंगे तो उसी के बारे में हम बता रहे हैं। देखिए आपका शोल्डर अगर यानी कि आपका कंधा अगर ज़्यादा बड़ा हो तो आप बड़ा वाला यूज़ करें, यानी कि 6 and 1/2 यूज़ करें। अगर आपका कंधा छोटा लग रहा है यानी कि शोल्डर आपका थोड़ा सा छोटा है मगर हाई वेस्ट 40 है और 41 है, तो उसी से कि हम क्या कहते हैं कंधे छोटा अगर हो तो हम 6 यूज़ करेंगे। तो इसका वजह ये है, और कभी कभी हम लोग 36 में 7 भी यूज़ करते हैं उसका कंधा अगर ज़्यादा बड़ा हो। तो हम ये जो पैटर्न बनाने जा रहा है इसका हम 6 and 1/2 ले रहे हैं, ये देखिए 6 and 1/2। और उसके बाद क्या होगा हमारा जैसे कि होता है चेस्ट लेंथ, अब हमें कटिंग करना है। तो हमारा 41 है तो चलिए हम 40 पकड़ के कैलकुलेशन कर लेंगे, इसमें आसान होता है। तो 40 का होता है 1/4 अप करूँ तो ये 10 होता है। और उसके बाद जैसे कि मैंने फार्मूला आप लोगों को बताया फ्रेंड, हमेशा बोलता हूँ जो चेस्ट लेंथ निकलने का जो फार्मूला होता है 1/4 अप बस माइनस 3 3 and 1/2 करिए। और बहुत अलग जैसे कि अगर बड़ा वाला साइज़ हो यानी कि 40 44 46 साइज में हम लोग क्या करते हैं, हम माइनस ज़्यादा कर देते हैं। जैसे कि इसमें आ गया है क्या है देखिए, इसमें 10 इतना दूर आ गया है तो हम क्या करेंगे 1 2 3, तो 3 करूँ तो इस जगह में आता है, 3.5 करूँ तो इस जगह में आता है। तो हमें इनका जो शोल्डर है वो हमें पता नहीं है, तो इसलिए मैंने नॉर्मली एक पकड़ रहा हूँ जैसे कि 36 में 9 होता है हमारा ये बैक पार्ट में आर्म होल 9 होता है, तो वो हम 9 हिसाब से ही हम करेंगे। और ये जो पैटर्न हम यूज़ करेंगे ये 36 का पैटर्न हम यूज़ करेंगे। तो 6 and 1/2 मैंने ले लिया है। और उसके बाद जो लोग ऑर्डर ही काम करेंगे आप लोगों को इस जगह में ही हमारा जो रेडीमेड वाला पैटर्न है वो उससे थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने ये जो लाइन दे रहा हूँ देखिए किस तरीके से दे रहा हूँ, और इस जगह में आप लोगों को समझना है, बहुत कुछ समझना है इस जगह में ही। देखिए तो ये मैंने पॉइंट ये फिक्स नहीं किया है, तो हमें देखना क्या है, इधर से हमारा जो ऊपर से चेस्ट लेंथ आता है आने दीजिए उसे, और उसके बाद ऐसे कर दीजिए। और इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे अगर 41 है हमारा हाई बस तो 10 होगा, 10.25 होगा, और उसके बाद 1/2 इंच होगा, ये देखिए फ्रेंड 1/2 इंच होगा, ठीक है। तो देखिए ये जिसका हाई वेस्ट है, और उसके बाद हम क्या करने जा रहा है देखिए, नॉर्मली अगर करूँ तो इस तरह हम करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, देखिए 9 से भी कितना बड़ा आ रहा है। तो अब हमें हमारा जो टिप्स वो यूज़ करनी है आप लोगों को, आप इसमें थोड़ा सा कम कर दीजिए,
यानी कि हम और हाफिस हम इसमें कम कर देंगे। देखिए कितना आएगा। और उसके बाद क्या होता है, देखिए ये देखिए हमारा 9 इस जगह में भी आ रहा है, मगर हमने क्या क्या आप लोगों को थोड़ा सा समझा दूँ। इस जगह में आप लोगों को शायद आप लोगों को पता नहीं है, मैंने इस टाइप का वीडियो मैंने पहले नहीं बोला था आप लोगों को, तो आज मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही वाइटल टिप्स है। तो देखिए अगर हम यहाँ से कंड करूँ तो क्या हो रहा है, देखिए हमारा जितना आर्म होल होगा वो कितना आ रहा है, इतना नॉर्मली ऐसा ही होता है, 10 आ रहा है, बहुत बड़ा आ रहा है, मगर थोड़ा सा हाफ इंच ऊँचा कर दूँ तो दिख रहा है हमें 9 से थोड़ा सा कम आ रहा है। ये देखिए, ये देखिए हो जा रहा है, 9 से थोड़ा सा कम आ रहा है, ये चलेगा, ये कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। मगर आप लोग अगर बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा कर दीजिए, क्योंकि हमारा जो बैक पार्ट होता है उसमें थोड़ा सा कम होता है। वो कम किस लिए हम बनाते हैं, आप मानिए आपका आर्म होल 18 है, तो हम नॉर्मली हम 9+9 कर देंगे, मगर बैक में जब हम लोग कटिंग करेंगे तो 8.75 कटिंग करेंगे। क्यों करेंगे तो चलिए मैं दिखाता हूँ। तो फ्रेंड देखा जाए अब इस जगह में देखिए, ये जो जगह है, इस जगह से हम लोग जब बैक पार्ट को मेज़र करें, जैसे कि मैं बोलना चाहता हूँ, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, यानी कि हमारा जितना आएगा, ये देखिए 17 इसमें मैं 17.5 इसमें मेजरमेंट आ रहा है, देखिए। तो मैंने अब फ्रंट से भी हम मेजरमेंट लेंगे, देखिए फ्रंट से भी हम मेजरमेंट दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ से हम लेंगे, ये देखिए 18.5। तो ये क्यों है फ्रेंड, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यानी कि हमारा बैक का जो फ्रंट का जो जुड़ा हुआ पार्ट है, इस जगह से इस जगह का जो गैपिंग होता है वो थोड़ा सा कम होता है, कम नहीं होता है फ्रेंड, ये हमारा फिगर का शेप ही ऐसा होता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ से हमारा जो नॉर्मल वो स्टार्ट होता है, तो इसलिए इस जगह में ऐसे शेप आता है, तो ये तो ऑटोमेटिकली बड़ा हो रहा है इस जगह में, तो इसलिए हम लोग बैक पार्ट में थोड़ा सा कम लेते हैं। और एक बात फ्रेंड, हम जैसे कि आप लोगों को बोला था, ये तो एक्चुअली ऐसा ही होता है, यहाँ से सीधा करके हम लोग आर्म होल करते हैं, मगर अगर इस तरह से हम लोग करना चाहते हैं तो क्या हो रहा है, बड़ा हो जाएगा। तो हम इस तरह क्यों किया है, जैसे कि हम लोग तो हमेशा करते हैं ऐसा ऐसा करके ऐसा हम शेप देते हैं, मगर इस वक्त हम ऐसे क्यों किया है, तो इसके बजाय है फ्रेंड हमारा जो ये देखिए, हमने जब आप लोगों को ये पॉइंट किया था तो मैंने 2 इंच इसमें पॉइंट करके उसके बाद ये देखिए 2.5 पॉइंट थोड़ा सा मैंने मार्क कर दिया इस जगह में। और उसके बाद हमने क्या किया है फ्रेंड, थोड़ा सा आप लोगों को बता दूँ, ये देखिए उसके बाद मैंने ऐसे किया है, तो इसके मतलब है फ्रेंड ये जो हमारा नेक है यानी कि शोल्डर है वो ऐसे स्प्रेड करेगा, ऐसे जब ये क्लोज वाला होता है ऐसे स्प्रेड करेगा, तो ऐसे जब स्प्रेड करेगा, अगर हम यहाँ से करूँ तो ये जब इधर जाएगा तो ये दोनों कपड़ा थोड़ा सा फ्लॉ हुआ और रिंकल आ जाएगा, तो इसलिए हम ये जो टेक्निक जब यूज़ करते हैं, जब ये कपड़ा स्ट्रेट में जाएगा तो अपने जगह में ही जाएगा, यानी कि ये जब हम कर्व देते हैं ये हम क्यों देते हैं, तो चलिए इसका भी मैं आइडिया दे दूँ। और फ्रेंड ये देखिए, ये हमारा जो रेडीमेड वाला जो पैटर्न है फ्रेंड, तो ये देखिए इसमें भी इस तरह से हम लोग कट करते हैं, तो देखिए वो ये जो गैपिंग है इस जगह में, तो ये इसकी वजह ये है फ्रेंड, ये देखिए इसकी वजह ये है, ये देखिए। तो हम यहाँ से यहाँ तक सभी पैटर्न में, आप जैसे कि कमीज करें कोई भी डिज़ाइन आप करें, तो इस जगह में जो गैपिंग होता है वो आपको सभी में देनी है, जैसे कि हाई वेस्ट आप लोग करें, जैसे कि आप एयर गला करें, तो सभी में ये होता है। और जैसे कि हाई वेस्ट में क्या होता है वो प्रॉपर तरीके से हम लोग समझते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का जो गैपिंग होता है वो ये है, इसकी वजह ये है, ये देखिए
तो देखिए, और ये तो कागज़ है, जब कपड़ा में हम करेंगे थोड़ा सा ऐसे करके जब स्प्रेड कर जाएगा तो ये इधर हो जाएगा ऐसे। तो अगर ये इस जगह में अगर ज़्यादा था तो इसी तरह आपका जब ये कपड़ा इधर जाएगा तो इसी तरह हो जाएगा। तो जो टिप्स मैंने बताया, शायद बहुत लोगों को इस जगह में बहुत प्रॉब्लम आता है, इस जगह में रिंकल आता है, तो आप देखिए ये टेक्निक फॉलो करिए, आप नहीं आएगा ये सब। तो फ्रेंड ये हमारा जो लाइन है ये हमारा फाइनल है इस जगह में। तो अब हम क्या करेंगे, आप देखेंगे 45 वेस्ट 41 है, तो वेस्ट 41 है वेस्ट 41 है। तो देखिए हमें वेस्ट का भी फॉर्मूला इस जगह में यूज़ करना है 41। तो 41 वन फोर्थ ऑफ वेस्ट, 4 भागा करूँ तो जैसे कि 10.25 ऐसा आता है। तो हम क्या करेंगे देखिए इस जगह में 10.25, और इस जगह में क्या होता है कभी कभी इस जगह में बड़ा हो जाता है। देखिए हमारा जो हाई वेस्ट है वो 41 है, वेस्ट भी 41 है। तो अगर आपका वेस्ट 41 ही है तो अब वो उसमें जैसा है वैसा ही रखिए, उसके बाद इसे 0.75 एक्स्ट्रा कर लीजिए इस जगह में। और ये देखिए इसमें फिगर जो आया है थोड़ा सा इसमें बड़ा हो गया है, तो इसमें हमें पता चल रहा है जैसे कि जो फिगर है वो नीचे वाला पोजीशन बहुत भारी है, तो इसलिए ये मैंने बड़ा कर दिया है। तो आप लोग करिए इस तरीके से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब डार्ट देंगे उस वक्त डार्ट देने के बाद ये थोड़ा सा कम हो जाएगा इस जगह में, पीछे में जो डार्ट देंगे, और बैक में ये अपने हिसाब से करिए। और एक बात बता दूँ, जो हमारा सब्सक्राइबर है बहुत लोग ऑर्डरी वाला जो काम करते हैं, तो फिर आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ आप लोग रिमेनिंग का फॉलो करेंगे, यानी कि आप किसी कस्टमर का ऊपर में डेप्थ कितना है वो आप जैसे कि नॉर्मली उसे समझाइए आप, जो आपका डेप्थ इतना है ठीक है, मगर रिमेनिंग कितना लेना है वो बोलिए। तो वो अगर एक बार कस्टमर ने बता दिया है, अब मानिए मैंने 4.5 ले रहा हूँ डीप, 4.5 ले रहा हूँ, ये देखिए कैसे ले रहा हूँ डीप, अगर 4.5 है नीचे सिम्स ऊपर सिम्स मैंने छोड़ दिया है। और उसके बाद कस्टमर में जो हमारा जो नेक डेप्थ का जो विथ होगा तो वो आपको इसी तरह मेजरमेंट लेना पड़ता है। ये देखिए फ्रेंड, तो उसमें गलती क्या आ जाता है सभी को मैं बता रहा हूँ। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ फ्रेंड, इतना मैं जब भी कोई वीडियो दिखाता हूँ आप लोगों को, और सभी में मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ, और सिखाने मतलब है जैसे कि नॉर्मली नहीं है, आप लोग इस तरीका से सीखे जैसे कि एक को सीख कर आप लोग हज़ारों बना सकते हो, जैसे कि ज्ञान होता है, तो वो देने की मैं कोशिश करता हूँ। तो ये अगर आप लोगों को अच्छा ना लगे तो हर बार अभी इतना बक बक करते हैं तो हमें नीचे कमेंट्स में दे दीजिए, हम इतना डीपली हम नहीं सिखाएंगे, नॉर्मली जो लोग सिखाते हैं हम उसी तरह ही सिखा देंगे। और जैसे कि क्या होता है, तो ये जो डेप्थ होता है बहुत लोगों ने बोला जो चलो हमें इतना डेप्थ नहीं बोला है, तो उसमें क्या आता है, तो मेरे ख्याल से वो लोग मेजरमेंट पे थोड़ा सा गलती कर देता है। अगर आप लोग इसी तरह इस जगह में मैंने बोला है, इस जगह में तीनों जगह का मेजरमेंट होता है, यहाँ का एक मिडिल का, तो मिडिल से आप लोग अगर मेजरमेंट लेंगे तो आपका डेप्थ, अगर किसी कस्टमर ने बोला चलो 10 रखो तो 10 रखेंगे आप, अगर यहाँ से करो तो वही 10 थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, अगर यहाँ से करो तो वही 10 आपका थोड़ा सा छोटा लग रहा है, मगर कस्टमर के हमें इसी तरह इंडिकेट करना होता है। तो हमें इसलिए मैं सभी को बोल रहा हूँ, आप अगर ये नॉलेज है तो ठीक ठाक रखिए करिए, ये अगर नॉलेज है आप कहाँ से मेजरमेंट ले रही है और उसके हिसाब से ही आप पैटर्न में भी उसी से उस जगह से ही मेजरमेंट आपको लेना है। और हम लोग क्या करेंगे रिमेनिंग, तो रिमेनिंग में क्या है ये देखिए, मानिए जैसे कि ये डिज़ाइन है तो ये रिमेनिंग में ही है, तो हमें पता चलेगा कस्टमर हमें बोला है इतने रिमेनिंग हमें लेना है, तब उतना ही लीजिए। जो लोग ऑर्डर वाला काम करते हैं तो ये क्या होगा, आपका कस्टमर भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे, और जैसे वो चाहते हैं आप उसी हिसाब से उसका ब्लाउज और कोई भी वगैरह ड्रेस वो तैयार करके आपसे ले सकेंगे। डेप मैंने जैसे बोला आप लोगों को इसी तरह मेजरमेंट लेना है, और लेने के बाद उसका हाफ कर दीजिए, मैं 3.5 ले रहा हूँ, और फुट को मैंने जैसा ले रहा हूँ इस जगह में आप 3 इंच
ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और इतना जैसे कि नीचे वाला, जैसे कि मैं देख रहा हूँ फिगर, इन लोगों के आपको छोटा फूट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बड़ा ले लीजिए। आप फूट आप 3 इंच से मेरे बेटर है, आप 3.5 ले लीजिए, 3.5 ले लीजिए। और ये हमारा बैक पार्ट हो गया है कटिंग। और इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें हम शेप दे देंगे। देखिए फ्रेंड, ये शेप के बारे में बहुत कुछ आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखा जाए, आपके पास अगर कोई ब्लाउज ऑल्टर आया है तो इस जगह में थोड़ा सा डाउन कर देने से आपका वो ऑल्टर ठीक ठाक हो जाता है। अगर किसी ब्लाउज अगर कंधा गिर जाता है तो हम इस जगह में क्यों देते हैं फ्रेंड, तो इस जगह में जैसे कि इसी तरह स्प्रेड करते हैं वो, इसके बाद ये अपना जो जगह है, असली जगह है, वो जगह में चला जाता है। और हम लोग देखते हैं बहुत लोगों को इधर भी शेप देने से ही वो ठीक ठाक आ जाता है, इधर भी, यानी कि जैसे हम कट कर रहे हैं इधर शेप, डीप नेक में भी, तो उन लोगों का फिगर अच्छा है। तो उन लोगों को अब कुछ भी करिए, नेचुरली आपका जो नियम होता है वो इस तरह होता है, मगर इस जगह में सीधा रखने का असली वजह है फ्रेंड, आप जब इसमें जब वॉश करेंगे और कुछ दिन पहनेंगे तो इस जगह में ढीला हो जाता है। तो इसके लिए हम इस जगह में शेप नहीं देते, तो ढीला हो जाने के नॉर्मली ऐसा ही आ जाता है, तो इसलिए, मगर हाई नेक में ऑब्वियसली देना है। तो चलिए हम आप कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड ये देखिए हमारा बैक पार्ट कटिंग हो गया है। और जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है तो शायद उनका तो पता चल ही गया है। और साथ ही साथ हमारा जितना फ्रेंड है फ्रेंड, और जो आप लोग भी रिक्वेस्ट किया है, तो मैं अगर अभी तक मैंने अपलोड नहीं कर पाया हूँ वो वीडियो, उसके लिए मैं सॉरी, तो मैं दे दूँगा, जल्दी ही मैं दे दूँगा। तो इसलिए आपको हमारा वीडियो देखना आप मत भूलिएगा, और हमसे खफा भी मत होना, हमारा वीडियो ज़रूर देखना और शेयर भी अपलोड करना। और आप लोग अगर हमारा वीडियो ना देखेंगे फ्रेंड तो हमारा चैनल तो नहीं चलेगा, हम लोग भी गायब हो जाएंगे। तो ज़रूर हमारा वीडियो देखना और शेयर भी करना फ्रेंड। देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमें पीसेस का वगैरह कोई कटिंग करना है तो इसी तरह हमें कट करना होगा। ये देखिए ऐसे, मैंने ड्रॉ कर लिया है इस जगह में। और उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए कुछ भी नहीं है, उस वक्त मैंने ये जैसे कि आप लोगों को दिखा है वो फॉलो नहीं करना है, आप लोगों को ये फॉलो करना है और उसके बाद ये फॉलो करना है, हो गया है। और उसके बाद हमारा चाहिए फ्रेंड, जैसे कि इसमें नहीं है वो क्रॉस पॉइंट चाहिए, यानी कि टक्स पॉइंट और टक्स वेथ हमें चाहिए, तो वो नहीं है। और वो हम जैसे कि नॉर्मली हम ले रहे हैं, इसमें हम 10.5 ले रहे हैं हम यहाँ से, ठीक है, 36 साइज में जो होता है 10, 10.5 ऐसा होता है। मगर ज़्यादा अगर एजेड पर्सन हो तो उन लोगों को जो क्रॉस पॉइंट व टक्स पॉइंट होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो हम उसके हिसाब से ही करनी है इनसे। और चलिए वो देखा, और उसके बाद जो 10 हम इसका जो क्रॉस हुए थे वो हम 10 लेंगे, और 10 से हम क्या करेंगे फ्रेंड, थोड़ा सा इसमें बढ़ा देंगे इस जगह में, मगर इस पॉइंट को भी हम बाद में फिक्स करेंगे। तो हम फिलहाल इधर 0.75 हम इसमें हटा कर रखेंगे इस पॉइंट को, और इसमें थोड़ा सा ऐसे करके हम रख देंगे इस जगह में। और देखिए उसके बाद हमें, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, जो 45 उनका जो हाई वास्ट सॉरी नॉर्मल वास्ट है वो हमें कैसे करना है, और इस जगह में प्रिंसेस कट का जो डार्ट होता है वो कैसे देना होता है। तो इसका ऐसा नहीं है हम सिलाई करेंगे, अगर फिट हो जाए तो हो जाए, ना हो तो हमें क्या। तो जैसे कि हम लोगों को जब पैटर्न हम कटिंग करते हैं तो हमें पहले ही पता चल जाता है
उनका जो नॉर्मल बस वो कितना आता है। देखिए मैंने बहुत बार वीडियो में बताया अभी, तो देखिए 45, ये देखिए कैलकुलेशन इसी तरह होता है 45। तो हमारा बैक पार्ट में कितना है आप लोग इसी तरह देख लेंगे, ये हमारा क्रॉस पॉइंट और ये हमारा बैक पार्ट है, तो 10.5 आ रहा है, यानी कि बैक पार्ट में हमारा 21 आ रहा है, तो ये 24, यानी कि जो फ्रंट वाला जो पार्ट है फ्रेंड हमें 24 करना है। आप देखिए 24 का हाफ करिए, डिवाइड करिए तो 12 होगा, तो ये देखिए 12 इस तरीके से हमें लेना है। देखिए फ्रेंड मैं कैमरा को उधर दोनों तरफ से दिखा रहा हूँ, ये देखिए इधर मैंने जितना ले लिया है और इधर भी मैंने उतना ही ले लिया है। तो इसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड, इधर सिम्स लेनी है और इधर भी हमें सिम्स लेनी है। तो लगभग देख रहा है दोनों तरफ 1 इंच हम अगर लेंगे तो ठीक ठाक हो जाएगा, ये हमें पता चल गया है। तो चलिए अब हम शुरू कर देते हैं। और फ्रेंड ये जो लाइन मैंने दिया है फ्रेंड, ये देखिए ये जो लाइन मैंने दिया है, तो बहुत लोगों को जैसे कि समझाए आप लोगों को पता शायद नहीं है ये हम कहाँ पर दे देते हैं। तो आप लोग नॉर्मली अगर ज़्यादा आप लोगों का जानकारी ना हो तो आप ये जो है इसका 50 कर दीजिए, 50 से ये नीचा कर दीजिए, और ये हमारा जो हाईनेक वाला होता है उसमें भी वही टेक्निक। तो ये इसका असली वजह है फ्रेंड, आप लोगों को हमेशा जैसे कि ये जगह होता है, ये देखिए 2.5 होता है, तो 2.5 से थोड़ा सा बड़ा हम इस जगह में हम ले लेते हैं, और इस जगह में जितना हम लेते हैं उसका 50% हम डार्ट में भी हम लोग अगर ले लेंगे तो वो आ जाएगा। तो कितना आता है, तो चलिए इसको ऐसे ही हम रखेंगे, इसमें ऐसा ही रखेंगे। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूँ ये किसके ऊपर से होता है। देखिए मैं तो फ्रेंड जो बात मैंने आप लोगों को बोला है फ्रेंड, तो वो इसका वजह है ये, यानी कि हमारा जो प्रिंसेस कट का जो इधर लाइन होता है फ्रेंड, तो वो जब ये डाउन पोजीशन होता है और ये ऊंचा वाला पोजीशन ये इसका अंदर होता है, और जब ये जगह से जो घूमता है, तो देखिए मैंने 2 इंच आप लोगों को बोला था और सिम्स के लिए ये देखिए वो परफेक्ट है, और उससे थोड़ा सा बड़ा मैंने बोला था। तो अब ये टेक्निक को फॉलो करिए, हमेशा वो फिट रहेगा इस जगह में। अगर थोड़ा सा नीचे हो जाएगा फिटिंग से अच्छा नहीं होता, क्योंकि इस जगह में ही हमारा कपड़े में रिंकल आता है, तो प्रिंसेस कट में नहीं आता, ये सब ठीक तरीके से करना है और ज़्यादा कपड़ा भी इसमें नहीं रखना है। जगह में आते हैं तो चलिए पहले हम इस जगह में हम जो 1 इंच है वो हम करके इसका जो मेजरमेंट आता है वो हम इस जगह में हम देख लेंगे। और इस जगह में हमारा जो फ्रंट वाला जो शेप होता है, फ्रंट डेप्थ कितना लेना है आपको, उसी तरह हम 6.5 ले रहे हैं इस जगह में, और आपका स्टिचिंग को थोड़ा सा बढ़ेगा ऐसे। और इस जगह में आप लोगों को बता दूँ ये ज़्यादा आपको इसी तरह नहीं करना है, तो क्योंकि ये अगर बड़ा हो जाए फ्रेंड तो आप लोगों को कंधा गिर जाएगा, ऊपर चले जाएगा। और इसी तरह जैसे कि आपका जो कंधा होगा, ये देखिए हमारा 9 इसमें आ रहा है। तो और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग ऑर्डरी वाला काम करते हैं तो उन लोगों को इसी तरह एक घुमा के एक मेजरमेंट कस्टमर की लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए देखिए फ्रेंड ये ब्लाउज पहनने के बाद इधर तो आएगा ही, और ये देखिए 9 ये इतना दूर आ रहा है, ये 9। अगर ये 9 कस्टमर से घुमा के एक बार आप लोग मेजरमेंट लेंगे तो ये 9 हो जाएगा। अगर 9 हो तो ठीक ठाक है, अगर इससे भी थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं इसी तरह कोई स्ट्रेट करके एक मेजरमेंट हम ले लेते हैं। अगर इधर एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रहा तो कैसे आएगा, ये देखिए ऐसे। तो इसी तरह इस जगह का एक मेजरमेंट होता है, आप वो एक बार ज़रूर मेजरमेंट लेंगे तो गला नहीं उतरेगा, तो इसलिए ज़्यादा इस जगह में नहीं लेना है। और मैंने जो लिया है उसके बाद इधर मैंने हाफ इंच सीम्स ले लिया है इस जगह में, और ये देखिए कितना आ रहा था, ये देखिए। तो इस जगह में देखिए हमने अगर 1.5 इंच इसका अगर डार्ट ले लिया है तो आ जाएगा, देखिए 1.5 इंच में ले रहा हूँ, 1.5 इंच और ये 1.5 इंच। और ये देखिए इस जगह को मैंने पता नहीं है कितना लेना है, तो देखिए 1.5 इंच में ले रहा हूँ और इधर 1 इंच मैंने दे रहा हूँ ऐसे।
तो ये रहा एक्स्ट्रा, और इधर हमारा जो देरिंग्स है वो हम इस जगह में हम यूज़ करेंगे, हो जा रहा है इस जगह में। और ये देखिए फ्रेंड 1.25 है, और इस जगह में भी देखिए 1.25 से 1.25 से थोड़ा सा इसमें बढ़ जाएगा। तो हमें ये एग्जैक्टली हम ये तो हम आप लोगों को एक रूट दे देते हैं जी, इसी तरह हमें नॉर्मल बस का पता चल जाता है। तो आप देखिए हमें नॉर्मल बस का जो मेज़रमेंट है वो देखिए कितना हमें आया है, तो उसी के हिसाब से हमें करना है। ये देखिए ये हम डार्ट ले रहे हैं और ये एक डार्ट ले रहे हैं, यहाँ से देर इज मैंने इस जगह में ले लिया है। और ट्वेंटी ये देखिए इधर हाफ इंच और इधर थोड़ा सा बढ़ा है। और इसमें हम क्या करेंगे, हम जब सीम से लेंगे दोबारा तो इस जगह में हम कुछ भी नहीं ले लेंगे, तो वो नॉर्मली फिट आ जाएगा। और उसके बाद ये देखिए इस जगह में जो आया है इस जगह में वो ही देना है। और इसमें भी जो है इधर 8 है, तो इधर हमें 8 इस जगह में करना है। और एक बात है फिर इस जगह में हम लोग एक काम करते हैं, इस जगह में ये ऐसा है। और एक बात कर सकते हो, जैसे कि आप लोगों को इधर अगर 1.25 आया है तो आप लोग 1.25 ही डार्ट देकर इसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये देखिए इस जगह में जो हम लोग शेप वगैरह देता है ना वो इसी तरह हम देते हैं, कितना हमें यूज़ करना है इस जगह में। तो ये देखिए, और इसके बजाय है ये है, तो देखिए क्या होता है फ्रेंड इस जगह में। आप लोगों को बता दूं, हम लोग जब प्रोफेशनली काम करते हैं तो बहुत सारा चेंजिंग हम लोग कर देते हैं, मगर सिखाने के बाद जितना हमें याद रहता है वो हम बोल देते हैं। तो देखिए इधर हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा आया क्या कितना है, हमें करना है किसी भी हाल में 8.7.75, और इस जगह में 7.75 से थोड़ा सा कम आ रहा है, तो हम इस जगह में थोड़ा सा ऊंचा कर देंगे इस जगह में ऐसे। और आपका जो नेक जैसा कि मैंने बोला वो उसी हिसाब से करना है। आप लोगों को बहुत कुछ फॉलो करके आप लोगों को ये सब करना पड़ेगा आपको, नहीं तो फ्रेंड बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो नॉर्मली ये तो हो गया है हमारा। अब देखिए हमारा ये कटिंग हम करेंगे, कटिंग करने के बाद जो असली जो काम होता है वो है शॉर्टिंग करना। तो हम जब शॉर्टिंग करेंगे वो ही हमारा असली मेजरमेंट होगा। चलिए इस जगह में शेप आपको देनी है, इस जगह में थोड़ा सा शेप देनी है। इस शेप का भी आप लोगों का नियम है, नॉर्मली आप इसी तरह हाफ इंच कर दीजिए, गैपिंग करके वह थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, हो जाता है। तो इसका नियम होता है ऐसा, हम जो हमारा दोनों इस जगह का जो पॉइंट होता है उसका कभी कभी 1 इंच ले लेते हैं, कभी कभी हाफ इंच लेते थे, और उसके बाद ऐसे करके ड्रॉ करते हैं और उसके बाद शेप दे देते हैं। मगर इतना सब आपको जानने ज़रूरी नहीं है, आप इसी तरह थोड़ा सा गपिंग करके दे दीजिए, हो जाएगा। और शेप ऑब्वियसली आपको इधर से लेनी है ऐसे करके। देखिए ये तो जैसे कि आप लोग अगर इतना दूर कर लिया है तो ये है जैसे कि प्रिंसेस कट का एक फर्स्ट स्टेज है ये, और उसके बाद मैं जो दिखाऊंगा आप लोगों को वो ही आप लोगों को असली फिटिंग से आएगा उसके लिए। तो देखिए मैं दिखा रहा हूँ, आप फ्रेंड इसमें 1 इंच डार्ट देकर भी इसे कर सकते हो, जो मेजरमेंट इसमें आया है मैंने देखा है तो कर सकते हो उसी तरह, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये जो मैं टेक्निक आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये एक स्टाइल है, और भी बहुत स्टाइल हमारा चैनल में मैंने दिखा, आप जो चाहे स्टाइल फॉलो करके आप लोग कर सकते हो, सभी में बहुत ही अच्छा फीलिंग्स होता है। मगर बाद में जो शॉर्टिंग करने का जो तरीका है
वो आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये कटिंग करने के बाद थोड़ा सा कुछ देखना है आपको। आपने इसी तरह कट लिया है और आपका काम हो गया है, ऐसा नहीं है। तो देखिए किस तरीक़े से होता है, ये देखिए, देखिए किस तरीके से मैं शॉर्टिंग कर रहा हूँ। देखिए इधर थोड़ा सा बड़ा है और ये देखिए कितना छोटा पड़ गया इस जगह में, ठीक है। अगर मैं इसे सीधा कर ऐसे कर दूँ तो शायद लग रहा है ये ठीक ठाक ये, मगर इसमें सीम्स चाहिए हमें। और ये कैसा है, इधर ठीक ठाक ये है, इधर भी ठीक है। तो चलिए बाद में इसे हम दोबारा एक, जैसे कि इधर और इधर हमारा सीम्स लेना होता है, वो हम लेकर उसके बाद में आप लोगों को जैसे कि क्या करना है, शॉर्टिंग बाद में करना है, पहले आपको इसी तरह ये कट कर लेना है। ये देखिए थोड़ा सा इसमें इस जगह में ले लिया है मैंने, और इसको भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए। ये देखिए मैंने इस जगह में इसी तरह आपको एक्स्ट्रा लेना है, और ये फाइनल नहीं है, इसे बाद में हम और भी कुछ चेंज करेंगे इसका। हेलो, इसी तरह ऐसे। तो देखिए फ्रेंड ये क्या है, जैसे कि मैंने इससे कटिंग किया है, ई शेप आपको देना बहुत ज़रूरी है। ये ना देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिटिंग्स अच्छा नहीं आएगा। तो मैंने बहुत एनालिसिस किया है इसका, देखा है, एक्सपेरिमेंट भी बहुत किया है, तो इसी तरह करने से बहुत अच्छा फिटिंग्स आता है इस जगह में। तो ये आपको फर्स्ट स्टेज आपको इसी तरह करना है। सीम्स लाइन हमने इसमें ले लिया, ऐड कर लिया है, और इसके बाद जो करना है हमें, जो शॉर्टिंग करना है वो देखिए किस तरीके से करना होता है, क्यों करना है, तो है मैं बता रहा हूँ। और फ्रेंड ये देखिए, ये हमारा जो बेसिक बैक पार्ट मैंने फर्स्ट में जो तैयार कर लिया है, और उसके बाद देखिए ये है, ये मैंने जो कॉपी फर्स्ट मैंने तैयार किया, उसके बाद सीम्स लेने के बाद ये पैटर्न हमारा आया है। तो ये हमारा फाइनल पैटर्न है, देखिए किस तरीके से हमें शॉर्टिंग करना पड़ेगा। तो देखिए ये देखिए, इधर तो सभी ठीक ठाक ही है, ये देखिए ये थोड़ा सा इस जगह में बड़ा है, मगर वो स्टिचिंग करने के बाद क्या होता है, वो फिट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है इस जगह में। तो और हमें देखना है क्या, देखिए किस तरीके से आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, मगर इसे आप लोग इसी तरह कट भी कर सकते हो। आप लोग इसी तरह देखिए, मैं इसमें कट कर रहा हूँ, इसमें आपको कट करने से भी कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा, इस जगह में मैं कट कर रहा हूँ इसे। और ये आपका, अगर आप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हो, जैसे कि प्रिंसेस कट और कोई भी ब्लाउज़ अगर आप तैयार करें, तो मॉडल में दो स्टाइल होता है, एक फ्रेंड इसी तरह होता है, एक इसी तरह होता है। हमारा कहने का मतलब है इसी तरह, आप जब पहनेंगे तो इसी तरह होगा, बैक में से इसी तरह दिखेगा, इसी तरह। और एक होता है फ्रेंड ये सीधा वाला, ऐसे। तो ये कोई मायने नहीं रखता है, हमें देखना है ये वो सीधा हो रहा है कि नहीं, ये हमें सिर्फ देखना है। और उसके बाद देखिए आपको इसी तरह, जैसे मैंने इसे पकड़ के रखा हो, अब इसी तरह करेंगे, और उसके बाद इसे इसी तरह शॉर्टिंग करेंगे। और फ्रंट में फ्रंट ये देखिए कितना इसमें जो जा रहा है, ये देखिए थोड़ा सा नीचे में बढ़ गया है, ये देखिए थोड़ा सा बढ़ गया है। और हमें क्या करना है, इधर जो हमारा जो बुक पट्टी रहेगा हाफ इंच,
और उससे थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे हाफ इंच, और इधर ऐसे खींचेंगे, इधर तो पता चल गया है थोड़ा सा इसमें बड़ा हुआ है, हमें वो कट करना पड़ेगा। और इस जगह में हमारा जो आर्म होल का जो शेप होता है ये रिंकल आता है, प्रिंसेस कट में बहुत लोगों को रिंकल आता है, वो अब नहीं आएगा। ये देखिए हम इसी तरह पकड़ ये देखिए, तो ये ठीक ठाक हो जाएगा। तो देखा है ये अगर ऐसा आ जाए तो ये थोड़ा सा उधर चले जा रहा है ऐसे करके, देखिए आफ्टर स्टिचिंग पर ऐसा ही आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें इस जगह को थोड़ा सा कट कर देना है इस जगह, बाकी जो है वो सभी ठीक ठाक ही है। ये देखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड, मैंने देखा है बहुत लोगों को इस जगह के लिए फिटिंग्स नहीं आता है, इस तरह करना है और उसके बाद ऐसे करके ये सीधा करके उसको देखना है, क्योंकि हमारा जब पहनेंगे तो इसी तरह ही तो आएगा ना ये। और इधर हमें थोड़ा सा कट करना है ऐसे, और उसके बाद हमें जो देखना है नीचे का हिस्सा देखना है, ये देखिए कैसे देख रहा हूँ मैं, ये तो जो था ये देखिए, ये मैंने इतना सा मैंने छोड़ दिया है इस जगह में, और डार्ट के लिए ये इतना सा चले जाएगा, और ये देखिए ये ओवरलैप होगा इस जगह में और इस जगह में ओवरलैप होगा। तो चलिए ये भी सही है। उसके बाद हमें देखना है इधर देखना है, तो देखिए इधर भी फिट है, तो अब हमें देखना है इधर देखना है, ये देखना है ऐसे, तो देखा जाए ये भी फिट हो रहा है, ये देखिए ये और ये एकदम फिट है। और हमें उसके बाद लास्ट में देखना है ये, देखना है ये ठीक ठाक है कि नहीं देखना है। ये देखिए फिर ये छोटा हो गया है, तो हम अगर इसे कट कर दूं, ये देखिए इसे कट कर दूं इस जगह में, ये देखिए ये इसके साथ एकदम सीधा हो गया है और ये थोड़ा सा बड़ा है। अगर इसे कट कर दिया मैंने ये, तो ये देखिए अब ये ठीक ठाक हो जाएगा, ये देखिए एकदम फिट है। और आप लोग अगर इसे उल्टा कर दीजिए, जैसे कि ये अगर ऐसा है तो ये तो छोटा हो रहा है, आप लोग इस जगह को बढ़ा दे सकते हो, इसमें क्या होगा तो इस जगह में एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा, और जैसे मैंने अभी बोला अब इस जगह में पहनने के बाद पहन दिए थोड़ा सा सीधा करके रहेगा, इस जगह में ज़्यादा कपड़ा रहेगा, इसकी वजह ये है। आप लोग ये भी कर सकते हो, नहीं तो आप इसे जैसे है वैसे रखिए और इसे थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, बस हो गया है। और एक चीज़ देखना है फ्रेंड, ये देखिए ये बहुत ज़रूरी है देखना, ये देखिए ये फाइव ही इस जगह में आया है, यानी कि हमारा जो क्रॉस हुए थे वो इसमें फाइव ही आया है। और उसके बाद देखिए इस जगह में फाइव के बाद ये देखिए 17 इसमें आया है, 17 से थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो वेस्ट बुक थोड़ा सा बड़ा है इसलिए इसमें आया है, मगर आप इसी तरह कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। और इस जगह में ये तो ठीक है, यानी कि हमारा कितना हुआ 12 हुआ, 12 24 है। और बैक में हमारा जो बैक पार्ट में है 10, 10.5 से थोड़ा सा कम है, तो हम ये करेंगे 10.5 ही लग रहा है, तो 21 यानी कि 5 45। तो ये देखिए जो रिक्वेस्ट था हमारा नॉर्मल बस 45 है, और हाई वाज जो है 41 है, ओएस 41 है, ये आ जाएगा। तो ये व्हाट्सएप का रिक्वेस्ट है ये था। और एक बात मैं आप लोग, स्लीव मैंने नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि स्लीव दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो एक ही रहेगा। और जैसे कि और एक बात बता दें फ्रेंड, आपको फ्रंट में जो शेप आया है उसकी वजह से थोड़ा सा जैसे कि पीछे में जो कम था वो फ्रंट में बढ़ गया है, और दोनों मिलाकर आपको वो 18 ही आ जाएगा, ये था। और एक बात होता है क्या, देखिए फ्रेंड ये तैयार करने के बाद इस जगह में मैंने अगर सीधा कर दूँ तो ये फिट आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है हमने नॉर्मल बस कितना किया है। और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, मैंने हमेशा बोलता हूँ इस जगह में कम इस जगह में ज़्यादा देके इसी तरह स्टिच करना होता है,
तो वो कब करना है, अब किसी वजह से आपका नॉर्मल बस्ट अगर सही नहीं आ रहा है तो उस वक्त ये बढ़ जाता है। इसका जैसे कि अलग कोई प्रयोग ना करें इस जगह में, ये जानकर करिए इस जगह में कब क्यों हम घुमाते हैं। जैसे कि ज़्यादा हेल्दी अगर फिगर हो उन लोगों के लिए इस जगह में घूमता है, और ये ऐसा होता है। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है शायद उनका जो लोअर बस्ट होगा वो इसी तरह होगा। और इसमें हमारा जो यानी कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें सीम्स ऐड कर दिया है। जब आप कटिंग करेंगे तो उस वक्त क्या करना है, जितना आप एक्स्ट्रा ले लेंगे आप उसी से स्लीप लगाने से पहले आपका जितना बॉडी का मेजरमेंट है, आप मानिए आपका 41 है तो उसे हाफ कर दीजिएगा। जैसे कि एक तरफ से जो मेज़रमेंट लेता है यानी कि 20 पॉइंट हाफ करने से 20 एंड हाफ होता है, सॉरी 20 पॉइंट क्वार्टर इंच आप ले लीजिए, 20 20 41। तो कभी कभी ये सिखाने के वक्त ये गड़बड़ हो जाता है, 20 20 21 20 एंड हाफ। हाँ, 20 एंड हाफ लेने से ये आ जाएगा। तो उस वक्त क्या करना है, ये थोड़ा सा अंदर आएगा, यानी कि आप अगर 1 इंच आप एक्स्ट्रा लेंगे और इससे हाफ इंच रहेगा तो दोनों मिलाकर 1.5 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा। और आप मत भूलिएगा, और लोअर बस्ट आपको इसी तरह करने के बाद आपका लोअर बस्ट शायद कम होगा, और उसके बाद आपको इधर ऐसा करना पड़ता है, कभी कभी करना पड़ता है, तब कर दीजिएगा। इस जगह में लोअर बस्ट फिट करने के बाद इस जगह में आप लोग चाहे ऐसे करें चाहे ऐसा करें, तो मैंने देखा है लोअर बस्ट जितना होता है उससे 1 इंच कम होता है। आप मानिए ये 32 होता है तो इस जगह में 30 होता है, और साइड से देखा जाए ये अगर 16 होता है इस जगह में 15 होता है, इसी तरह गैपिंग आ जाता है इस जगह में। तो आप करिए जैसे कि स्लीप लगाने से पहले फ्रेंड ये करनी है आप लोगों को। तो इस वीडियो में और कुछ भी नहीं बोलूँगा फ्रेंड, ये एक रिक्वेस्ट का वीडियो था। साथ ही साथ जिन लोगों ने मेजरमेंट के लिए कन्फ्यूशन था शायद आप लोगों को क्लियर हो गया है। और हमारा वीडियो और हमारा ये चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। अब इसी तरह हमारा वीडियो घर में जिस तरीके से दिख रहे हैं, और मैंने फ्रेंड आप लोगों को 1 लाख कवर करने के बाद एक प्ले बटन हमें मिला है, और उसके बाद हमें और भी टारगेट है फ्रेंड। तो ये आप लोग अगर हमारा साथ ना रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए फ्रेंड मैं बोल रहा हूँ आप जितना हो सके हमारा वीडियो को शेयर करिए। और आप लोग अगर सब्सक्राइब ना किया है हमारा चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ बेल बटन में क्लिक ज़रूर करिए। और जो लोग बेल बटन में अभी तक क्लिक ना किया है ज़रूर बेल बटन में क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको आपके पास यानी कि आपके मोबाइल हो तो आपके पास, और आपका यूट्यूब चैनल हो आपका फ्रंट में हमारा आपका जो पेज है यूट्यूब उसमें हमारा वीडियो दिखा देगा, यानी कि इंस्टेंटली आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा और साथ ही साथ वो वीडियो भी मिल जाएगा। तो इसी के साथ ये ख़त्म होता है, आज के लिए इतना सही था। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट।